हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चटपटी रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिवई की सब्जी। बहुत ही टेस्टी और चटपटी है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर मिलती है और वहाँ पे बनती है। तो आज हम ये रेसिपी बनाएंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या सामान लगेगा और ये कैसे बनेगा। इसे बहुत से नाम से भी जानते हैं लोग, चीव, चिवली या चिवई। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने चिवई लिया है, आधा किलो ले लिया है, अच्छे से इसे तोड़ के धो लिया है। ये देखिए, अब हम इसे कट कर लेंगे। 3 से 4 पानी हमने अच्छे से इसे धोया है, इसमें बहुत मिट्टी होती है तो साफ से धोना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने तोड़ के अलग कर लिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले उससे पहले हम जान लेते हैं कि और क्या सामान चाहिए इसमें। और यहाँ पे हमने मीडियम साइज का 2 प्याज लिया है, उसे बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा हींग हम इस्तेमाल करेंगे, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने रिफाइंड तेल लिया है 1.5 चम्मच, बड़े चम्मच से। यहाँ पे हमने लिया है हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट तैयार किया है, आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है मूंगफली के दाने, उसे मैंने भून लिया है और दरदरा कूट लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे हमने लिया है नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। तो चलिए शुरू करते हैं भाजी बनाना। तो सबसे पहले हम भाजी को कट कर लेते हैं, चिवई को कट कर लेते हैं। एकदम बारीक कट करेंगे इस तरीके से, पहले बीच से कट कर लेंगे। इसी तरह बाकी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने बारीक पूरा कट कर लिया है भाजी को। और चलिए अब इसे बना लेते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे तेल 1.5 चम्मच। और तेल हमारा गर्म हो गया है, आंच को हम रखेंगे मीडियम। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट भी हम साथ में डाल देंगे। तड़का हमारा रेडी हो गया है, तो ये भी हम डाल देंगे। तीखे के अनुसार आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा चला लेते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, मिला लेते हैं और सुनहरा होने तक इसे हम भूनेंगे। हल्का सुनहरा होने तक, ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। तो ये देखिए, हल्का सुनहरा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर हम तीखी के अनुसार डालेंगे। हरी मिर्च हमने डाला है तो उसी हिसाब से हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिला लेते हैं और अब हम 1 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए हल्दी को पकाएंगे। और 1 मिनट तक हमने चलाते हुए इसे पका लिया है हल्दी को। अब हम इसमें चिवई की भाजी डाल देंगे। आंच को हम मीडियम रखेंगे और इसे मिला लेते हैं अच्छे से। तो अच्छे से हमने मिला लिया है। अब हम ढक के 2 मिनट तक इसे पकने देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, अपने यहाँ पे ही गल गई है, पानी छोड़ रही है। इसे चला लेते हैं। तो अच्छे से हमने चला लिया है इसे और अब हम इसमें डाल देंगे कूटे हुए मूंगफली के दाने और मिला लेते हैं। अब चाहें तो इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने मूंगफली के दाने डाले हैं कूटे हुए दरदरा, और स्वादानुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। मिला लेते हैं। तो नमक को हमने अच्छे से मिला लिया है, अब हम ढक्कन से ढक देते हैं
और 5 मिनट तक इसे हम पकने देंगे मीडियम आंच पर, और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से एकदम पक गई है। 3 मिनट तक और हम इसे अच्छे से पका लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है, एकदम चटपटी और टेस्टी। इसे आप रोटी या दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए सर्व कर देते हैं। तो ये देखिए हमने सर्व कर दिया है सब्जी को, और थोड़े से धनिया पत्ते से हमने सजा दिया है। तो चिवई की भाजी बनके हमारी रेडी हो गई है, एकदम टेस्टी और चटपटी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।